जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आप देख रहे हैं मैच नजम टीवी और मैं मोहम्मद मैर। जैसा कि आपको मालूम है कि पंजाब भर में बारिशों का सिलसिला जोर और शोर से जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला बहावला एक छोटे से शहर नूरसर में, जहां बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है। आप ये देख सकते हैं मेरा कैमरा मैन मुजम्मल आपको दिखाएगा, ये हरसू पानी हर तरफ छाया हुआ है, लोगों को गुजरने में बहुत दुश्वारी हो रही है। ये देखें गुजर के आ रहा है बच्चे आगे, काफ़ी आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक पानी आ चुका है। तो हुकूमत पंजाब से हम ये दरख्वास्त करते हैं कि जो निकासी वाला पानी है इसका बंदोबस्त किया जाए। काफ़ी लोग इससे परेशान हैं, बच्चों को गुजर के जाना पड़ता है। जी नाले में आप देख सकते हैं पानी पीने के लिए पानी यहाँ पे दस्तियाब नहीं है, तो लोग बारिशों का पानी खत्म से ये टपक रहे हैं, वो मतलब के उसको भर के वो ही पी रहे हैं। तो ये हमारे इलाके के बहुत ही मुअज्जज़ लड़के, बहुत ही अच्छे इतिहाई कराने से तल्लक है मोहम्मद मुबशर साहब, उनसे कुछ तासरात तो पूछे हैं बारिश की वजह से उनकी तरफ क्या हाल है। जी अस्सलाम वालेकुम मुबशर भाई। जी मुबशर भाई, बारिश का बातों का सिलसिला जारी है। हाँ यार भाई, आज सावन मौसम की पहली बारिश है आपके सामने है, बहुत तकरीबन घंटा हो गया मुसलसल चल रही है। जी नादरी, कैमरा अभी तक पानी नहीं आएगा, कितना तेज पानी जा रहा है, निकासी का कुछ हम लोग बस नहीं है देख रहे हैं। मुबशर भाई आपको बताएंगे असल सूरत हाल क्या वजह यहाँ पे के बच्चे बाहर नहीं जा रहे, ना कोई खाने पीने का राशन अंदर आ रहा है, तो बहुत लोग परेशान है। मुबशर भाई बताएंगे भाई, देखो सिचुएशन आपके सामने है, घंटे से बारिश चल रही है, अभी तक बंद नहीं हुई, पता नहीं जाने कब तक और चलेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू भाई, चलो सिर्फ इसी वजह से कि ये बहुत गंदा पानी है। तो हम जीरेला पंजाब सरदार उस्मान गुलजार साहब, हम ये अपील करते हैं कि निकासी के लिए कोई ना कोई बंदोबस्त किया जाए, वरना ये लोग, ये जो बच्चे हैं ये काफ़ी हद तक बीमार होने का खतरा है इनको, यहाँ पे काफ़ी नुकसान है। ये आप देख सकते हैं हर तरफ पानी छाया हुआ है, तो यहाँ पे पानी पीने के लिए पानी नहीं है, लोग बारिश का पानी पीने के लिए मजबूर है। तो हमारा कैमरा मैन आपको दिखा रहा है कि छत के ऊपर से पानी आ रहा है, तो 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 पी रहे हैं। चलो भाई मर्जी में जगह मिलो थोड़ा सा। जी जमल भाई जरा पानी को चेक करते हैं कैसा पानी है, ये लोग बेचारे पी रहे हैं, हम भी थोड़ा चेक करते हैं। पीना नहीं, पानी तो बहुत गिट गया ना, पानी तो बहुत गिट गया। मिट्टू वाले ऐसे क्यों आ जाओ ना, फंस गया जुत्ती इतने सड़ते जानी चाहिए। हाँ भी चल तिल फिर जी नादरीन, गलियों की सिचुएशन तो हम लोगों ने आपको बता दी, लेकिन जरा लेट अगे खड़ा है दस दही भाई मेरा जिम्मा उस पोछे बस आया किधर अनेरा हो रहा है। जी जमल भाई कैमरामैन हमारे साथ आए तो हम आपको दिखाएंगे कुछ आगे की सुरतियाल, जो गलियों में नाकस पानी खड़ा पहले से था और कुछ अब ये बारिश आई है। तो कैमरामैन से मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे साथ आए प्लीज। चल हेलो भैया, चल 10 मिनट चल लो। जी तो यहाँ पे लोग बहुत सा इंजॉय कर रहे हैं, आप देख सकते हैं हर बैठे इंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी गर्मी के बाद मानसून का ये पहला स्टेज जो पंजाब में दाखिल हुआ, जिला बहावलनगर में दाखिल है, तो बच्चे इतिहाई बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये देखें बच्चे कितने खुश हो रहे हैं, तो इस खुशी के बारे में हमने बता दिया। लेकिन अफसोसनाक खबर ये है कि यहाँ पे निकासी का कोई पानी नहीं है, ये बच्चे जो है गर्मी में मर रहे थे। जी हमारे साथ मौजूद हैं इस इलाका के मायानाज कबूतरबाज, जिनका बहुत ही नाम है कबूतरबाजों में, तो उससे हम आपकी मुलाकात। जी नाजरीन हम ये देख सकते हैं कितनों तक मेरे पानी यहाँ पे है और मेरे गंदा पानी है। आए कैमरा मैन साहब आगे आपको
स्कूल तक जाने हैं ना जी। नादरी नाम ये देख सकते हैं, हाथ से पानी खाया हुआ है, लोगों घरों में पानी दाखिल हो रहा है, बहुत से लोग परेशान हैं इस पानी की वजह से। हमारा कैमरा मैन आपको ये दिखा रहे हैं कि पानी ऊपर आ चुका है, गुजरने तक पानी ऊपर आ चुका है, गुजरने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी है। यही मेन रास्ता था जहाँ पे लोग गुजरते थे, लेकिन इस बारिश की वजह से अब कोई ना आ रहा है ना कोई जा रहा है। ट्रैफिक की रवानी बहुत ज़्यादा मुतासर है, ये लोग आप बच्चे देख रहे हैं गुजरने के लिए खड़े हैं लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है। आसाम की मुलाकात करवाएंगे शहबाज शरीफ साहब, जो जिला पंजाब साहब का शहबाज शरीफ साहब से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, वो बताएंगे क्या सूरत हाल है। शहबाज शरीफ भाई क्या बताएंगे? वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है? ठीक है, लग जाओ। शहबाज शरीफ साहब आप हमें ये बताएं, बहुत सदियों बाद बारिश हुई है और ये बच्चे लोग एंजॉय कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं और माशाल्लाह बड़ी ठंड है, बड़ा मौसम है। और चलो पाई पाई नहीं था, एक पानी की निकासी का जो बस जो कि हम देख रहे हैं गलियों में नहीं था, पानी साफ पीने के लिए वो भी नहीं है, इसके बारे में ऐसा गंदा पानी, गलती का पानी आई जाता है, बारिश का पानी बेच पीती है। आपको वाटरप्रूफ मिले जाए और मैं इंशाल्लाह आपको पहुंचाऊंगा। हां जी, वाह क्या बात है। शहबाज शरीफ का कहना है कि मैं इंशाल्लाह साफ पानी मुहैया करूंगा फसलों के बारे में आप क्या कहेंगे? जो अपने रहमत बरस रही है, अपने रहमत है या अपने जहमत है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जहमत ताव जितने इतने ओले पैते थे तो रहमत है ये। तो फसलों ना नुकसान मजदूर ये वो इस तरह ना फसलों के बारे में बताएं हम भाई जीज बाजरी भाई फसलों के बारे में बताएं ये बहुत अच्छी है। फसल एक एकड़ में 2-2 लाख का नरमा हो जाएगा और मार्केट स्टॉक जो है बहुत अमीर हो जाएगा। कैमरा मैन हमारा आपको दिखाएगा कि लोगों के घरों में काफी हद तक पानी दाखिल हो चुका है, लोग बहुत ज्यादा परेशान है। कैमरा मैन नंबर भाई आप दिखाएं जरा, दिखा रहे हैं, जूम करके दिखाएं कि कितना पानी घरों में दाखिल हो चुका है। इसी बारिश का पहला स्पेल जारी है अभी अभी, पता नहीं बादल खड़े हुए हैं, पता नहीं कितनी बारिश हो रही है। ये देख सकते हैं हर पानी खाया हुआ है, इधर भी लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है काफी हद तक। ये हमारा भाईचार है, इसने शेयर लाइक पै गया था, उसने बटन लगा इसके सिर में पानी में से कितनी मुश्किल के साथ ये लोग चारा लेके जा रहे हैं। और ये हमारे भाईजान है, देखो कितने ओखे ओखे काम कर रहे हैं और इनको अल्लाह सबर दे। हम इधर वल भी आ बड़े अरसे बाद चल बे थोड़ा पिछ बज के मारना चाल फिर हो जाना काम, नहीं टूट जानी है आ फिर रुक गर्मी बड़ा ठंडक में फिटते थे, अब इस शराब में आ चुके हैं, अब हम बाहर आने लगे हैं, अब हम इस नहर में दोबारा नहीं बढ़ेंगे और नहर नहीं गली है। ये हमारी गांव की नहर है, इसमें बच्चे लोग नहा रहे हैं, हम भी रहते हैं और पानी बहुत गर्म है। बारिश का पानी ठंडा था, ये गर्म था, पता नहीं क्या मसला है, ये अल्लाह की कुदरत है। और पानी ये नमकीन भी है, मीठा नहीं है, ये समंदर फोड़ा। मैं अपनी मेहनत मजदूरी करता फिर रहा,
ठीक है, मेहनत करने से शर्माना नहीं चाहिए। खड़ा रहा एक मिनट, काशम थोड़ा यार पानी है और इसमें स्टॉक होता है। एक मिनट होने शुरू, और उसके बाद हम पैसे इकट्ठे करके इसको निकाल दें। चल वे नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं, ये हमारे गांव के जो निकासी का मसला है, ये देखें पानी इधर से हमें निकालना पड़ता है। सारा पानी गांव के इसमें इकट्ठा हो जाता है, फिर इसको निकालना पड़ता है चंदा इकट्ठा करके। लिहाजा मेहरबानी करके इसके बारे में कुछ सोचा जाए, हम MP MLA से दरख्वास्त करते हैं। बस ये चलो बस, हाँ जी मोती वाली सरकार, तुम ये सर्दी दे की बर्फ बेच रहे जी, हाँ इधर दस नवाज शरीफ साहब तू की आखेंगे बर्फ बेचनी है, ये दस गया तू सर्दी दे दस के खाता लग गया है। नाजरीन आप देख रहे हैं कितनी मुश्किल, बारिश है, पानी है गलियों में, लेकिन ये फिर भी मेहनत कर रहा है, अकल हाल की कमाई खाता है ये, बहुत अच्छा बंदा। उधर सलाम कर नवाज शरीफ, चल बस सदके जावा।